हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हमारे दूसरे प्लॉट पे समरसेबल लग रहा है शायद, जहाँ तक आज कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे है वो दूसरा प्लॉट और क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो चुकी है अपनी थार स्टार्ट। अपना जो दूसरा प्लॉट है जहाँ पे बन रही है वो, मैं इसकी सर्विस क्या कहते हैं ड्यू हो रही है, क्योंकि 1600 चल चुकी है जबकि ये चलनी चाहिए थी 1000 के पास। इसकी सर्विस होती है अभी से, कल शायद इसकी सर्विस हो। अभी हम जा रहे हैं दूसरे प्लॉट पे जहाँ पे समरसीबल लगा है नया नया, तो अमित का फ़ोन आया, कह रहा है कि आज हम यहाँ पे गाड़ी वॉश कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, चल रहा है अपना नया प्लॉट समरसीबल से अमित। सबमर्सिबल अपने नए प्लॉट पे, क्योंकि भाई अपना नया अपनी ही जगह है, अपना ही प्लॉट है, यहाँ पे घर बन गया भी दूसरा। ये वहाँ से पीछे से लेके स्टार्ट यहाँ तक है, अभी इनका घर बन रहा है, इन्होंने अपना सामान वान रखा हुआ है यहाँ पे, रोड ही डस्ट। भाई ऐसे लग रहा है अंदर पानी आ रहा है। थी है भाई गाड़ी वाड़ी धोने से नहीं डरता बिल्कुल भी, प्यार से करता है सारी गाड़ी वाड़ी हर चीज से। देखो कहाँ चढ़ ऊपर चढ़ के छत धोएगा ही, देखना छत। फ्रेंड्स हमारे यहाँ खुल रही है नई जिम, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह हेल्थ क्लब के नाम से। पहले भी थी, अब फिर 10 साल पहले थी जब दोबारा, अब नई मशीन सही, नई मशीन के साथ ओपन हो रही है। चल रहा है काम पेंटिंग का, वो शीशों का फिटिंग का हो गया, रे पंखे ना चाहे ले रहे, ये रे शीशे ना अंकल है, बहुत शौक है दुआ। जिम दे चाय चल रही होनी पहले है मेरी, भाई काम चल रहा है हमारा जिम में। फोर सीलिंग हो चुकी है, फैंस पीछे विंडो लगवा दिए यहाँ पे, और ये वो ऐसी लगवा दी ताकि अगर लोगों को गर्मी वर्मी लगेगी तो। ये यहाँ से पूरा खुल जाएगी, ऐसे ओपन ओपन जिम हो जाएगी यहाँ से, मतलब गर्मी लगे तो ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। और एक ये भी ओपन वाली है यहाँ पे भी, ये चल रहा पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है सारा। ये जिम का बैक गेट होगा और यहाँ से यहाँ पे होगा क्रॉस फिट टायर वगैरह का कुछ। यहाँ पे फैन लगा दिया है और यहाँ पे टाइल लगेंगे ना है ना, टाइल लगेंगे सर। टाइल मतलब वैसे कहते हो जिस तोड़े वाली है, मतलब असली वाली टाइल है, मतलब पत्थर वाली है वैसी नहीं। यहाँ पे क्रॉस फिट का रहेगा ज़्यादा सामान, अब ये इतना ऊँचा लिया है यहाँ पे, इतना इस पर मिट्टी करके इतना ऐसा हो जाएगा बराबर। टायर वगैरह और की गिरे हुए हथौड़े वतौड़े रहेंगे ना, हथौड़े टायर एक लटकने वाला रस्सा। अच्छा और ये पीछे अपना वॉशरूम वगैरह बन जाएगा यहाँ पे, और ये पीछे बैठ भी सकते हैं अपना जिम विम करके यहाँ पे। बाउंड्री हो गई यहाँ बढ़िया, पार्क इसकी बाउंड्री होगी बढ़िया,
ये हमारा अंकल ने ओपन कर दिया से बढ़िया ए चंगा तो लगू खोलने वाला इन लगो ना तो कुंदा जन पीछे पीछे था नाना जो पकड़ के खोल पीछे खींचने वाला लोग लगेगा लोग हाँ। जाकर ही खोल जाएगा हां 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 ये भाई ज्यादा किस दिन बाय चांस से लाइट वाइट चला जाती मौसम खराब होने से तो खोल तो बढ़िया बढ़िया आराम से बेटा शीशा में आराम से शीशे भी अच्छे हैं वैसे जो डिजाइन है शीशा पे अभी अच्छा है हां डिजाइन नहीं लगवाया सिंपल सब देखो जाय लग तो देखो एकदम ना बढ़िया है बढ़िया डिजाइन है भाई फिटनेस के लिए तैयारी तो कर दिया बच्चों के ऊपर बात है क्या करना क्या नहीं करना है गांव में भैया दोबारा क्रेज लाना है फिटनेस का यही सोचा है खुद भी फिट होना है पहले तो अपने ऊपर क्रेज चढ़ाना है क्योंकि बहुत ढीले से हो गए हैं फिट हो गए यार अभी चोट कभी कुछ अब मेहनत करेंगे आगे ये सारा एरिया रहा यहाँ पे भी किसी को अपने वैसा करना है कि जिम में नहीं तो बाहर वार्म अप कर लूँ तो यहाँ पे अपने रनिंग करके क्योंकि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री होगी यहाँ पे पूरी अंदर अंदर जिम बनेगी सारी ये पड़े सारा सामान इसका ये यहाँ पे टीन लगवा रखी है ये भाई ने फिर खोल दी मेरा देखने को खराब ना कर दे दोस्तों आज हम आपको एक अपने नए भाई से मिलाएंगे ये भाई बहुत हमारे व्लॉग में आए नहीं है कभी ये हमारे निखिल भाई जी ये वैसे तो जॉब करते हैं आज इनकी छुट्टी है और ये अंकित भाई घर पे रहने देते कह देते चलो तुम्हें शहर में घुमा के लाऊंगा ग्लेडिएटर जितया भाई हम आए सेक्टर 9 चंडीगढ़ से लग रहा है भाई ऐसा चंडीगढ़ की मार्केट ऐसी है कुछ चंडीगढ़ भी वो नहीं है खास ऐसी है ऊंची में दुकान है यार महंगे और कुछ नहीं है सौदा ये भाई देखो भाई सारा अंकित भाई ने खाया है और अभी भी लग रहे हैं हमारे भाई हां अंकित ने खाया भाई भाई का देखो भाई पेट देखो ये क्या बात भाई देखना यहाँ से लेके भाई ने यहाँ तक सब उड़ा दिया ये बेटे जब जिम शुरू होगी ना तो तुम एब्स देखा करोगे अभी भाई इसलिए दिखा रहे हैं अपना बुरा पेट भाई तुम मुझे अब देख लो फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर देखना जो नई जिम तारीख से जब नई जिम की ओपनिंग हो रही है ना उसी में ही पता चले नई जिंदगी भाई भी ज्वाइन करेंगे अपनी एकदम धीरे इसी से मिलना ही नहीं है 4-5 महीने तक तो पैक हो जाना तुमसे भी नहीं मिलना हमसे भैया मिलोगे उसी जिम में मिल लेकर हमसे तो टाइमिंग ऐसी रहेगी हम मिस्टर इंडिया बन के आकर भाई अपनी घड़ी लगा के दीख न रखी है मेहनत करके डंबल और चले खा देंगे भाई हो गया पैक का अंकल भैया ले लिया नेटफ्लिक्स ला तेरे पहले भी यूज करे नहीं करे हाँ भाई ये कैनबेरी का दिखाना है जो रेड वाली की चीज है किशमिश टाइप की दिलाक नहीं दोबारा मूछ लें नहीं अच्छा लग रहा तेन खेचा था हटिया नक खेचते रहती तगड़ी थी नाम ले रहे कोई और ढूंढ मोहल्ले तो कोई और मिल जाता कुड़ी लाख ले तू ले कुड़ी लाख सही वो तो बहुत खेल लो यार अक्सु लाख ले सारी हाँ, तो नहीं कर की बड़े रहे हैं पत्ते पत्ते चाचा हो गया ये तो चाचा जी है तू ले लो तीनों बाल कमाले हैं तो भूल ही गया था सही है यहाँ तेरे दो दो हैं और
नहीं यहाँ मतलब दोनों लाख कम आ जाऊ तेरा जरूर फायदा हो जाऊगा। तो गाइस फरीदाबाद से आके अपनी थार लेके अब आए हैं घर वालों के लिए, अभी कुछ खाने के लिए ले लें, इसलिए लेना आया था मैं पिज़्ज़ा। ये रखा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में दोनों अपने अपने सीट पे बैठ के जा रहे हैं आराम से, ठीक है ना। तो अपने लिए तो खा पी के आ गए थे, तो अब ले के घर से मैं थार आया था। और अभी हम मैं ये रहे अपने चौधरी जी हुक्कर खाट, और इन पर भोलेनाथ जी की कमी हो रही है, बस एक भोलेनाथ जी को ले आएंगे, इसके खाट के ऊपर बैठाऊँ भोलेनाथ जी को मैं, ठीक है। और ये अपना पिज़्ज़ा घर वालों को दे देंगे, हम तो कुछ खा ही आते हैं, कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं इसलिए, बट घर वाले तो कहीं मुश्किल जाते हैं भाई, जो ला के दे दो घर वाले तो हम पे ज़्यादा डिपेंड है। ये इस टाइम निकाल रही है 15.14 की एवरेज। तो गाइज अब मम्मी को घर पे पिज़्ज़ा विज़ा खिला दिया सबको, और हम भी कुछ बाहर का खा के आ गए थे, पर अब बंद कर दिया बाहर का खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, वर्कआउट भी मिस हो रहा है, वर्कआउट भी नहीं हो रहा और बाहर का भी खाना चल रहा है। बस कल उस दिन लास्ट अच्छे से खा लिया, मतलब कि आज अच्छे करके बढ़िया करके खाया है, इससे पहले भी खाया था, बट अब आगे से नहीं खाएंगे बाहर का, अपना डाइट का ध्यान रखें, थोड़े से पतले होते हैं फिर मोटे होने लगते हैं। तो बस यही सब किया था आज, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और खूब सारा प्यार दो, प्यार दोगे तो मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। बाय।